केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद सहित अन्य मुद्दों पर बहस की मांग की। ओवैसी ने साथ ही एक देश एक चुनाव पर कोई भी विधेयक लाए जाने को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार चीन पर व्यापक बहस कराए। ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है। हमने पहले ही विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की थी। हमें उम्मीद है, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि विशेष सत्र में चीन पर व्यापक बहस होगी। हमने देपसांग और डेम चौक में जमीन खोदी है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया, हम सीमा पर 25 गश्त बिंदुओं पर गश्त नहीं लगा पा रहे। ओवैसी ने मांग की कि विशेष सत्र में आरक्षण के मुद्दों पर भी चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की उपश्रेणियों संबंधी रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक देश एक चुनाव को लेकर आ रही खबरों को लेकर उन्होंने दावा किया है कि यह असंभव है। ओवैसी ने कहा, अगर ऐसा कोई विधेयक आता है तो यह असंवैधानिक होगा। संविधान की मूल संरचना का संघवाद एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, विधानसभाएं इसे पारित नहीं करेंगी। कोई भी गैर भाजपा शासित राज्य इसे स्वीकार नहीं करेगा। ओवैसी ने कहा कि सरकार को संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख की भी घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र ना हो और सीधे फरवरी 2024 में लेखानुदान पेश कर दिया जाए। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और नीरज चोपड़ा को उनकी हाल में अर्जित शानदार उपलब्धियों के लिए संसद में सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व कप में भाग लेने जा रही राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भी शुभकामनाएं देने के लिए संसद में आमंत्रित किया जाना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि विशेष सत्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आगामी G20 बैठक को लेकर खूब दिखावा करना चाहेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है, लेकिन इसके एजेंडे के बारे में मैं कुछ नहीं कहा है, जिसके चलते कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।